हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा टेरेस गार्डन। तो आप अभी देख सकते हैं हमने जो आम लगाए थे वो अभी फुली तरह से आ चुके हैं, और ये आम के प्लांट्स आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंपोस्ट के लिए रखा हुआ ड्रम है, इस पर हम हमारा कंपोस्ट सेव करते हैं। अभी मैं इसमें हाथ डालूंगा तो ये पूरी तरह से अंदर से गर्म है, तो इससे एक भाप आती है कि ये कंपोस्ट हमारा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा एक ड्रम लिया था हमने, उसको आधा काट कर उसमें मिट्टी भरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आम के प्लांट्स आने लगे हैं। और ये जो ये वाला है वह बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें एक ही रूट से दो तीन स्टीम्स बाहर आ चुकी है और इन दोनों को पत्ते भी लग चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से वो फुल्ली तरह ग्रो हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर कमल लगाए थे, वो ये पूरे पूरे कमल हमने बीच से लगाए थे, तो इनके अभी पूरे पत्ते आ चुके हैं, अभी इनमें फूल नहीं आया है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। ये कमल का बीज है जिसमें से हम रूट्स देख सकते हैं, इन रूट्स के मदद से ही इनको हमने मिट्टी में डाला है। और यहाँ पे इसका पत्ता भी हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से वो भी ग्रो हो चुका है। इसके बाद हम इसको मिट्टी में डाल देंगे, और ये बाकी आम है, ये अमरूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आम के बहुत सारे हमने पौधे इस साल उगाए हैं, और भी बहुत सारा हमने छत पे उगाया है, वो धीरे धीरे हम जानेंगे। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे जो है वो पत्ते फूटने लगे हैं इस आम के पौधे को। और यहाँ पर हमने मोरिंगा लगाया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं जामुन का पेड़ लगाया हुआ है जो ग्रो बैग में लगाया हुआ है, और इसके बाद ये पपई है, और ये गुलाब हमारे यहाँ छत पे वाइट गुलाब है जो पूरी तरह से हमने घर पे उगाया है, और देख सकते हैं।